आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नोटिस। ये बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं, तो आप सब लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस देखे होंगे, चाहे कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस। जब कोई फंक्शन होने वाला या फिर कोई प्रोग्राम आयोजित होने वाला स्कूल या कॉलेज में, तो नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिख के चिपका दिया जाता है। सबको स्पेशली क्लास में जाके बोलने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए हम सब नोटिस लिखते हैं। चाहे किसी का पर्स भुतला गया या फिर चाहे किसी का बैग भुतला गया, कुछ भी भुतला गया, तो हम नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिख के चिपका देते हैं, ताकि सभी छात्र सभी स्टूडेंट इसको पढ़ ले और काम बन जाए, सभी को पता चल जाए उसके बारे में। तो यहाँ पर नोटिस कैसे लिखते हैं, नोटिस तो नोटिस लिखने के लिए सबसे रूल है कि सबसे पहले फॉर्मेट को अप्लाई करें, फॉर्मेट के अनुसार ही नोटिस को लिखेंगे। दूसरा है कि इसमें जितने सारे वर्ड है वो क्लियर लिखेंगे, क्लियर, ताकि हर कोई पढ़ सके। और तीसरा है कि नोटिस में कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं लिखेंगे। जैसे लिखते हैं ना, जब लेटर लिखते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, तो बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, और ना जाने कितनी बातें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, कुछ भी अनावश्यक चीजें नहीं लिखते हैं, जो जो ही चीज है सिर्फ वही है। और फिर अंत में क्या करेंगे, नोटिस को बॉक्स में बंद कर दें। तो ये सब हो गया रूल। यहाँ पर लिखा हुआ, यू आर राकेश, सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल। बोला जाता है कि आप राकेश हैं। यहाँ मानने के लिए क्या बोल रहा, मान लीजिए आप राकेश हैं। कौन राकेश? अपने विद्यालय के, ठीक है, साहित्यिक क्लब। लिटरेरी मतलब साहित्यिक, चाहे कुछ भी लिखनी हो या फिर कोई डिबेट हो, तो इसमें लिटरेरी क्लब आयोजन करेगा। इसमें जितने सारे मेंबर होंगे वो आयोजन करेंगे। तो इसका तो क्या बोला जा रहा, आप राकेश हैं अपने विद्यालय के लिटरेरी क्लब के, यानी साहित्यिक क्लब के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। योर टीचर कोऑर्डिनेटर हैज आस्क्ड यू टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट ए डिबेट गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। तो बोला जा रहा है कि आपके जो टीचर कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर में से होता है समन्वयक, ठीक ना, एडजस्टमेंट करने वाला। तो आपके जो टीचर समन्वयक हैं, टीचर कोऑर्डिनेटर हैं, वे आपसे बोले, यहाँ पर आस्क मतलब पूछना नहीं है, आप आस्क मतलब बोलना है, तो आपसे बोले कि क्या बोले, छात्रों को सूचित करने के लिए बोला, एक डिबेट कॉम्पिटिशन के बारे में जो आपके विद्यालय में आयोजित होने जा रहा है। राइट ए नोटिस इन अबाउट 50 to 60 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द सेम। तो बोला जा रहा है 50 लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, के वार्ड में भी होता है लेकिन यहाँ पर क्या है, लगभग। तो नोटिस लिखें लगभग 50 से 60 शब्दों में छात्रों को सूचित करने के लिए, किसके बारे में, अबाउट द सेम, यानी जो ऊपर बताया गया उसी के बारे में, यानी डिबेट कॉम्पिटिशन जो होने जा रहा है उसके बारे में आपको 50 से 60 वर्ड में लिखना है, ठीक है, छात्रों को सूचित करना है और नोटिस के बारे में सब कुछ बताना है। तो देखिए क्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखेंगे। तो स्कूल का नाम कुछ भी लिख देंगे, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं दिल्ली मॉडल स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर पता लिख देते हैं, और कोई ज़्यादा बड़ा पता है तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर नहीं हटेगा तो नीचे वाले लाइन में। उसके बाद क्या करेंगे, क्या लिख रहे हैं, ये जो है नोटिस में तो क्वेश्चन तो नहीं लिखेंगे, जो अगर रियल में लिखेंगे तो यहाँ पर पता होना चाहिए कि क्या लिखे हैं हम सब। तो क्या लिखे हैं, नोटिस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट, तो डेट इस साइड लिखेंगे, तो डेट लिख देते हैं, आज कितना तारीख, फर्स्ट, 1 सितंबर 2020 डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पर टाइटल देंगे, ठीक है ना, टाइटल, नोटिस का टाइटल क्या है, नोटिस किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं, डिबेट कंपटीशन के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है ना, लिख रहे हैं डिबेट, डिबेट कंपटीशन, तो डिबेट यहाँ लिखेंगे, डिबेट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन हो गया, ये हो गया टाइटल, हो गया टाइटल। तो लिखेंगे कि हमारा स्कूल, ठीक है ना, हमारा स्कूल आयोजित करने जा रहा है डिबेट कंपटीशन, 1 सितंबर को लिख रहे हैं,
नोटिस, यानी कम से कम 5 दिन बाद 10 दिन बाद क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर 10 दिन बाद होने वाला है कंपटीशन, यहाँ पर 8 दिन बाद ही मान सकते हैं। एक्चुअल में चेक करना चाहते हैं टीचर कि आपको नोटिस लिखने आता है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि 10 दिन बाद होने वाला कंपटीशन, तो लिखेंगे हमारा विद्यालय, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, ए डिबेट कंपटीशन। क्या हो गया, हमारा विद्यालय, ठीक है, एक डिबेट कंपटीशन आयोजित करने जा रहा है, जा रहा। अब लिखेंगे, ये तो पता चल गया, आयोजित करने जा रहा है डिबेट कंपटीशन। अब कब के कर रहा, तो डेट के पहले हम ऑन लगाते हैं, तो माने थे कि अब 10 दिन बाद हो रहा, तो लिख देते हैं 11th, यानी 11 सितंबर 2020, ये डेट हो गया। अब लिख देते हैं टाइम, लिख देते हैं मान लीजिए 10 बजे से हो रहा, लिखेंगे at 10 AM, at 10 AM 10 बजे से हो रहा। अब क्या चाहिए, अब वेन्यू चाहिए, जगह चाहिए, जगह ही बताना पड़ेगा कि कहाँ हो रहा। तो लिख देते हैं इन स्कूल ऑडिटोरियम हो रहा, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम कहते हैं श्रोतागण कक्ष को। हर विद्यालय में होता है एक बड़ा सा हॉल टाइप का, जिसमें बहुत सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है, तो ताकि उसमें कोई भी प्रोग्राम आयोजित हो तो ढेर सारे लोग देख सकें। तो ये ऑडिटोरियम हो गया, स्कूल के ऑडिटोरियम में। तो यहाँ से हम क्या क्या पता चला, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 11 सितंबर 2020 at 10 AM इन द स्कूल ऑडिटोरियम। हमारा विद्यालय स्कूल के ऑडिटोरियम में 10 बजे 11 सितंबर 2020 को डिबेट कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रहा है। अब क्या लिखेंगे आगे, सब कुछ तो बता दिए। अब लिखेंगे कि जो सभी जो इंटरेस्टेड छात्र हैं, जो जिसमें रुचि है पार्टिसिपेट करने की, वो अपना नाम दे सकते हैं, इतना तारीख तक दे सकते हैं। तो लिख देते कि यहाँ पर 11 सितंबर को होने वाला, तो लिख देते हैं कि 8 सितंबर तक अपना नाम दे सकते हैं। लिखेंगे ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि 9th-10th का सिर्फ होने वाला, तो मान लेते हैं कि 9th-10th, तो ऑल इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th क्लास हु विश टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, इन द कंपटीशन शुड गिव देयर नेम बाय बाय, मान लेते हैं 8 सितंबर तक नाम देना, 8 सितंबर 2020, इतना तो हो गया। तो यहाँ पर इसका हिंदी क्या निकलेगा, सभी इच्छुक छात्र, 9th और 10th के सभी इच्छुक छात्र, हु, यहाँ पर हु मतलब क्या, जो जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो, तो यहाँ पर कौन नहीं है, कौन कौन अगर शुरू में इस्तेमाल करेंगे तब कौन होगा, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। तो सभी इच्छुक 9th और 10th के सभी इच्छुक छात्र जो कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, वे अपना नाम 8 सितंबर 2020 तक अपना नाम दे दे। तो बोला फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, किसी भी पूछताछ के लिए अंडरसाइंड को कॉन्टेक्ट करें। अंडरसाइंड मीन्स क्या क्या बोलते हैं, अंडरसाइंड मीन्स बोलते हैं दस्तखत करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर दस्तखत कौन कर रहा है, सेक्रेटरी, यानी आप ही कर रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर कोई भी पूछताछ करना हो तो मुझे से ही कॉन्टेक्ट करें। हम तो यहाँ पर लिखेंगे कि नोटिस कौन लिख रहा, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा था कि मान लीजिए आप राकेश है, तो राकेश, अब राकेश कौन है सबको पता होना चाहिए, तो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी किसका, लिटरेरी क्लब का, लिटरेरी क्लब CLUB, अगर यहाँ पर नहीं हटेगा लिटरेरी क्लब तो यहाँ पर लिखेंगे
बड़ा नाम होगा तो फिर क्या करेंगे, सबको बॉक्स में बंद कर देंगे। या आप स्केल से कीजिएगा, स्केल से ये आपका नोटिस तैयार होगा। यही था नोटिस, आई होप आपको समझ में आया होगा।